मुलायदा फरमा। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी के सदके में बना है। सामने मेरे नबी ना होते तो कुछ ना होता। आप जान मेरी शान जो कुफर में जाने से कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी के सदके में बना है। मेरे नबी ना होते तो कुछ ना होता। शेर मुलायदा फरमाए और शेर सुनेंगे तो इंशाल्लाह मच लेंगे। फूल खुशबू कलिया बुलबुल दिलकशी तेरे लिए दिलकशी तेरे लिए फूल खुशबू कलिया बुलबुल दिलकशी तेरे लिए दिलकशी तेरे लिए रब ने ये दुनिया रब ने ये दुनिया बनाई रब ने ये दुनिया बनाई ऐ नबी तेरे लिए रब ने ये दुनिया तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी फैजाने कुतुबुल मदार शायर हिंदुस्तान जनाबे अजीम अनवर तेरे लिए ऐ नबी तेरे लिए मेरे सरकार ने इस उम्मत के लिए कितनी तकलीफ उठाई है और आप लोग अच्छे समाज रखते हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। शेर सुनेंगे इंशाल्लाह तड़प जाएंगे कि पेट से पेट से पत्थर है पोछा पेट से पत्थर है पोछा बांधे हैं किसके लिए पेट से पत्थर है पोछा बांधे हैं किसके लिए बांधे हैं किसके लिए तो जवाब आया के बाद बोलोगे मेरा इंतकाल होगा तब बोलेंगे। खींचना आसान नहीं होता। तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह नाते पाक पढ़ी नहीं जाती है बल्कि पढ़वाई जाती है। तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह पेट से पत्थर है पोछा बांधे हैं किसके लिए बांधे हैं किसके लिए तो जवाब आया तो जवाब आया नबी का तो जवाब आया नबी का उम्मती तेरे लिए तो जवाब आया नबी का उम्मती तेरे लिए उम्मती तेरे लिए तेरे सदके में खुदा ने जिंदगी बख्शी हमें जिंदगी बख्शी हमें आमना खेला आमना खेला लिखेंगे जिंदगी तेरे लिए आमना के जिंदगी तेरे लिए जिंदगी तेरे लिए आमना के लाल है जिंदगी तेरे लिए जिंदगी तेरे लिए शेर बहुत है हत्ता मुलायदा फरमाए नात के मिसरों से दिल का नात के मिसरों से दिल का पाप रोशन कर अजीम नात के मिसरों से दिल का पाप रोशन कर अजीम अरे कब्र में बन जा कब्र में बन जाएंगे ये रोशनी तेरे लिए कब्र में बन जाएंगे ये रोशनी तेरे लिए रोशनी तेरे लिए रब ने ये दुनिया बनाई है नबी तेरे लिए है नबी तेरे लिए
लगाई शादी मियां में बुलाया फरमाए तब कर बोल दे यार रसूल अल्लाह एक ही बार में काम हो जाए तो अच्छी क्या बात है। दोबारा आपको नींद आएगी इतनी बेदारी के साथ सुन नहीं पाएंगे। हमारे मेहमान शायर हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मेहमान शायर पढ़ नहीं लेंगे मेरे बाद खतीब हिंदुस्तान की तकरीर इंशाल्लाह उसके बाद आपके शायर साहब कितना चाहेंगे आप सुनेंगे। शराफत भाई के मेरे प्रोग्राम बारह होते रहते हैं वो बेहतर जानते हैं।